काफी अरशद शरीफ साहब का जो बेईमाना कत्ल किया गया है, उनका मर्डर हुआ है, उसके खिलाफ हम आज इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के जेरे एहतमाम आज हम प्रेस क्लब के सामने, जिला कौंसिल के सामने हम उनके कत्ल की, हम उनके मर्डर की पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हमारे साथ उनके जो जियाले हैं अजमल साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ के तवस्त से हम उनसे पूछेंगे कि क्या कहेंगे जी अजमल साहब, जो अरशद शरीफ जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, कीमती सरमाया, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनका बेईमाना कत्ल किया गया है, उनको मर्डर किया गया है, क्या कहेंगे उसके बारे में? और हुकूमत पाकिस्तान क्या कहेंगे इसके बारे में कि जो हमारी इस्लामिया है वो क्या कर रही है? जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके अदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस लेवल पे आके एक शहीद का रुतबा बुलंद किया। ये तो खानदानी शहीदों का है, एक दिन में इनके घर में दो दो शहादतें हुई हैं। अभी उनकी वालदा का हौसला देखें, कोई भी एंकर उनके घर पे जा रहा है, उनकी वालदा कह रही है कि इनकी सेवा में कोई कमी ना आए। उसका जिगरा देखे, उसकी बहादुरी देखे। ये वतन अजीज पाकिस्तान का बहुत असासा था। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, उसकी मैयत बाअदब तरीके से उनके घर वालों को दी जाए, ताकि हम अच्छे तरीके से उसकी मैयत को सुपुर्दे खाक किया जाए। तो लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि मेहरबानी फरमाए, अरशद शरीफ साहब की मैयत जल्द से जल्द पाकिस्तान वतन अजीज की सुपुर्द की जाए। अगर वो कोई डिले करते हैं, लेट करते हैं, आप यहाँ से अपनी टीम भेजिए, आप यहाँ से अपना हेलीकॉप्टर भेजिए, जैसा भी है, अरशद शरीफ साहब की मैयत बाअदब तरीके से वतन अजीज पाकिस्तान में जल्द से जल्द आनी चाहिए। जी शुक्रिया जी। अजमल साहब के साथ हम भी इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के जेरे तमाम जो हमने आज एहतजाज किया है, जो के पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब का बेईमाना उनका मर्डर किया गया है, उसके खिलाफ आज हम किया गया है, उनका मर्डर हुआ है, उनके जो कातिल हैं उनको पकड़ के फौरन ताजीदात पाकिस्तान के तहत उनको सख्त कार्रवाई की जाए। और कंट्री में उनका मर्डर हुआ है, वो जा रहे थे ये सुबह कीनिया में उनका कत्ल हुआ है, ठीक है ना। लिहाजा हम अपील दोबारा यही करते हैं कि मेहरबानी, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनसे हमारी ये अपील आरजू है कि लिहाजा अब हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। ये वतन अजीज पाकिस्तान है, ये बड़ी कुर्बानियों से बना हुआ है। हमारे जो बड़े थे उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी है, लिहाजा मेहरबानी होगी आप जल्द से जल्द उसकी मैयत बाअदब तरीके से पाकिस्तान वतन अजीज के सुपुर्द की जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।